ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय मां दुर्गावासिनी। आज का हमारा विषय है इंद्रजाल। स्वतंत्रण का तंत्र है वशीकरण मन रात, तन मन सो वश कीजिए बोल की मीठी भास। क्या है इंद्रजाल, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन सी विद्याएं इसमें चलती हैं, और आखिर ऐसा क्या है जिसने इंद्रजाल को थोड़ा सा भी पढ़ के समझ लिया और उपयोग करने लगा तो उससे करोड़पति बनने से, धनवान बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। वो व्यक्ति जिसने इंद्रजाल को पढ़ लिया और समझ लिया वो चमत्कारी हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि असली इंद्रजाल मिलना बहुत मुश्किल है। इसके कुछ कुछ मंत्र अलग अलग सिद्धों के पास हैं, या तो इस पुस्तक को नष्ट कर दिया गया या तो इसे इतना डिवाइड कर दिया गया कि ये पूरी पुस्तक एक साथ होना पॉसिबल ही नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो इंद्रजाल एक एडवांस साइंस है, एक एडवांस टेक्निक है। इतनी एडवांस टेक्निक है अगर उसे आप तरीके से कर दो तो सामने वाले को जादू नजर आता है और आप एक सिद्ध और चमत्कारी पुरुष बन जाते हैं। इतनी एडवांस साइंस है। इंद्रजाल की उत्पत्ति कैसे हुई, दैत्य असुर राक्षस लगातार स्वर्ग पे आक्रमण किया करते थे, उनके युद्ध कर करके इंद्र परेशान हो गए और इसके उपरांत इंद्र ने निश्चय किया कि हम एक ऐसी विद्या, एक ऐसे एडवांस साइंस की खोज करेंगे जिसके द्वारा दैत्य असुर और राक्षस को माया में डाला जा सके, भरमाया जा सके। इसके लिए देवराज इंद्र ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें इंद्रजाल नामक विद्या देते हैं, क्योंकि इंद्र को दिया गया अधिकार इंद्र का आ गया तो इसलिए इसे इंद्र का जाल कहा गया कि इस टेक्निक का प्रयोग करने पे सामने वाला माया में पड़ जाता है, भ्रमित हो जाता है। वास्तविकता कुछ और रहती है और उसे जो दिखता है वो कुछ और रहता है, लेकिन उसकी बुद्धि बध जाती है, माया में हो जाती है और जो सामने वाला कहता है वो उसी अनुसार करता है। ये है इंद्रजाल, इतनी एडवांस। और ये आपको एक सिद्ध और चमत्कारी पुरुष बना देता है। बड़े बड़े स्टेज शो के जो जादूगर प्रोग्राम दिखाते हैं वो इंद्रजाल की वजह से, ब्लैक मैजिक होता है इंद्रजाल की वजह से, काला जादू होता है इंद्रजाल की वजह से। तो सबसे पहले इस विद्या को देवराज इंद्र ने जाना था। मेघनाथ इंद्र की तपस्या करके इंद्र से ये विद्या लिया था। ऋषि अगस्त, भगवान शिव, देवराज इंद्र, गणेश जी, मेघनाथ, भगवान विष्णु, ये सब इंद्रजाल के विषय में जानते थे। यही कारण है जब इंद्र का और मेघनाथ का युद्ध हुआ तो इंद्र का ये विद्या काम नहीं आया, क्योंकि इस विद्या के विषय में मेघनाथ को पहले से पता था, वो इसका काट कर लेता था, उसे पता है माया है। और इसी विद्या के बल पे मेघनाथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मारना चाहता था, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये इंद्रजाल माया है और प्रभु श्री राम तो मायापति है। यदि आप इंद्रजाल को जान लेते हो तो आपके अंदर जादू दिखाने की क्षमता आ जाती है। इतना एडवांस विज्ञान है। एक उदाहरण दे रहा हूं, हमारे हाथ में मोबाइल है और आजकल लोग ब्लूटूथ लगा के बात करते हैं। आज के समय में इसे सब जानते हैं, इसलिए नॉर्मल है। लेकिन जरा सोचिए, 50 साल पहले कोई रास्ते से जा रहा है और कान में ब्लूटूथ लगा के बात करते हुए जा रहा है तो 50 साल पहले जितने लोग उसे देखते तो क्या कहते, अरे पागल है, दिमाग खराब हो गया, रास्ते में बड़बड़ाते हुए जा रहा है, क्योंकि उस टेक्निक का उन्हें पता नहीं है। नींबू उड़ाना, आग लगाना, ये सब प्रक्रिया हम करके छोड़ चुके हैं। हम अपने शिष्यों को भी बता दिए हैं कैसे प्रक्रिया होता है, नींबू कैसे उड़ता है, ये सब इंद्रजाल के अंतर्गत आते हैं। और कोई इस सब का सब जादू है, इंद्रजाल है, टेक्निक है, कोई हकीकत नहीं है कि ग्रेविटी के नियम को भंग करके नींबू को उड़ा दो, वो गलत है। ये एडवांस टेक्निक है जिससे नजरों को धोखा होता है और आप एक सिद्ध और चमत्कारी पुरुष बन जाते हैं,
जिससे आपका मान सम्मान बढ़ता है, और जब लोग जानेंगे मान सम्मान बढ़ेगा तो धन तो अपने आप आएगा। इसीलिए कहते हैं जिसने इंद्रजाल को समझ लिया उसे करोड़पति बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। इंद्रजाल वो विद्या है जिसके सामने भूत प्रेत जिन जिन्नात मसान मसानी ये सब नहीं चलते, इनको भी माया में डालने की जो विद्या है वो है इंद्रजाल। इंद्रजाल से आप भूत प्रेत को भी माया में डाल सकते हो, भ्रम में डाल सकते हो। इंद्रजाल का जल्दी ही एक कोर्स कराएंगे, कुछ जितना हम अपने जीवन में इंद्रजाल के विषय में जाने हैं वो हम अपने शिष्यों को बताएंगे कि उसके अनुसार किस किस तरीके का आप चमत्कार कर सकते हो और चमत्कार दिखा के अपना मान सम्मान बढ़ा सकते हो, अपना सीना चौड़ा कर सकते हो। तो इंद्रजाल की ओरिजिनल पुस्तक बहुत ही रेयर है। आज तक हमने जो सिद्धों से मिले हैं, संतों से मिले हैं, जो भारत का पूरा भ्रमण किए हैं, वहां पे जहां से जितना मिला और मुझे मेरी कसौटी पे वो मंत्र खड़े उतरे, उन मंत्रों का हमने एक संग्रह किया है और उनमें से कई विद्याओं का हम उपयोग भी करते रहते हैं। हम अपने शिष्यों को नींबू उड़ा के दिखाए हैं, हवन कुंड में आग लगा के दिखाए हैं इसी विद्या का प्रयोग करके, ऐसे बहुत सारे चमत्कार हम अपने शिष्यों को बताए हैं और इसके पीछे का विज्ञान भी बताए हैं। तो इंद्रजाल जो सीख लिया उसे अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।